मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहेंस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है, तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आई वेलकम यू ऑल इन द सेकेंड क्लास, ठीक है। और सेकेंड क्लास जो आज हमारी है, आज हम नंबर्स की दुनिया में और कुछ धमाल मचाने वाले हैं और कुछ क्रेजी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर हम करेंगे कंपैरिजन नंबर्स का, हम उनको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है। तो आइए चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, जो नंबर्स आप हमेशा से लिखते आ रहे हैं उन नंबर्स का, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 8754321, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिख दिया। अब अगर मेरे को इसको नेशनल इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे कॉमास लगाने हैं, तो मैंने ये कॉमा लगाया और ये कॉमा लगाया। ऑटोमेटिकली कॉमा लगाते ही मेरे दिमाग में क्या आ गया कि ये मेरी लाख की पोजीशन है, 87 लाख मेरा बन गया, ठीक है। और ये मेरी थाउजेंड की पोजीशन है, 54,321, ये मेरा नंबर बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म का। अगर इसी नंबर को मुझे एक्सपैंड करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने 8 लिखा और बाकी सारी पोजीशंस पे जीरो लगा दिया, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब कि अगर मैं 10 लाख की बात कर रही हूँ तो उसमें कितने जीरो होने चाहिए, उसमें 6 जीरोस होने चाहिए। अब अगला ऐड करो, प्लस का साइन लगाओ, 7, अब जीरोस कम हो जाएंगे, 5 जीरोस हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर अगला 5 और जीरो हो गए 1, 2, 3, 4। फिर अगला 4, जीरो हो गए 1, 2, 3। अगला 3, जीरो हो गए 1, 2। अगला 2, जीरो हो गया 1 एंड 1s की पोजीशन एज इट इज। तो ये हो गई एक्सपैंडेड, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है एक्सपैंडेड फॉर्म, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर के आगे जीरो लगाते जाना है। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि नंबर कितना बड़ा है। और मान लो अगर कोई एक ऐसा नंबर होता जिसके अंदर हमारा इस प्रकार से होता 8000020 या 21, चलो ठीक है 21, अगर मुझे इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना होता तो मैं कैसे लिखती? सबसे पहली बात तो ये नंबर तो वही है, उतने ही नंबर डिजिट्स है ना, देखो 1, 2, 3 एंड दिस 80,000 है, तो 80,000 का एज इट इज लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 जीरोस तो आ गए, प्लस बाकी सारी पोजीशंस के ऊपर जीरो है। अब जीरो को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मैं मल्टीप्लाई की बात क्यों कर रही हूं, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं मैंने देखो 10 लाख से 8 को मल्टीप्लाई किया है, तभी तो मेरा आंसर जो है ना इतना आया है। चलो अगर आप नहीं भी वो समझ पा रहे हो तो ये याद रखना कि जीरोस का होना या जीरो हम ऐड करें तो हमारा कोई वो नहीं होता ना, चेंज नहीं होता, तो इसको हम एज इट इज रख लें। प्लस मैंने 2 लिखा, बट ये 2 कौन सी पोजीशन पर है, ये 2 है मेरा टेंस की प्लेस पे, तो मैंने यहाँ पे 2020 लिख दिया एंड प्लस 1, तो ये मेरा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप ये आप अपने आप कर पाएंगे। अब हम करते हैं अगला कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स दो तरीके के होते हैं, या तो दोनों नंबर्स के डिजिट्स अलग अलग हो, तो डिजिट्स अलग अलग हो तब तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ ये देखना है।
में ज्यादा डिजिट होगी वो नंबर ज्यादा बड़ा होगा. एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने बोला 527 और 69, ये दो नंबर मैंने लिए, मुझे साफ साफ दिख रहा है इसमें सिर्फ वन का टेंथ डिजिट है और इसमें वन टेंथ और 100 डिजिट है, 500 है ये, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं. मैं अगर ज्यादा नंबर भी ले लूं 13574 और 112757, तो इसमें आपके पास 5 है और इसमें आपके पास 6 डिजिट है, तो नेचुरली 6 डिजिट वाला नंबर मेरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो ये तो एक बात कंपैरिजन की, जब अलग अलग डिजिट्स हो, लेकिन अगर डिजिट सेम हो तब हम कंपैरिजन कैसे करते हैं एक बार वो देख लेते हैं. तो यहां पर दोनों नंबर्स मैंने लिखे हैं, दोनों नंबर्स में 6-6 डिजिट्स ईच है, ठीक है. तो दोनों नंबर्स में 6-6 डिजिट्स ईच है और दोनों नंबर्स को मैं अगर कंपेयर करूं तो सबसे पहले जो एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर है जो कि 6 है यहां पर और 7 है यहां पर, उनको कंपेयर करो. जो एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर मेरा 7 बड़ा है तो ऑटोमेटिकली मेरा 7211125 नंबर बड़ा हो गया. क्यों? क्योंकि ये बेसिकली है हमारा 6 लाख और ये है 7 लाख, तो 7 लाख मेरा हमेशा बड़ा होगा 6 लाख से, ठीक है. बट अगर नंबर होता है ऐसा, दोनों का एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब जो लैक वाली पोजीशन है दोनों की वो सेम है. अब इस केस में मैं क्या करूंगी, इस केस में मैं नेक्स्ट नंबर को देखूंगी. जो नेक्स्ट नंबर है मेरा वो 2 और 3 है. अब मुझे पता है मेरा जो 3 है वो बड़ा होगा 2 से, है ना. तो 6,31,000 मेरा बड़ा हो जाएगा 6,21,000 से, ठीक. इसी प्रकार अगर मेरा कोई नंबर है 631245 और दूसरा नंबर है 63725, तो बच्चे आप फिर ये देखो कि थर्ड, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों नंबर सेम है, कंपैरिजन करने को करोगे तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा. लेकिन आप फिर थर्ड नंबर देखो, ठीक है. तो थर्ड नंबर जो है, अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पर, यहाँ पे मैंने 5 ही लिखा है, तो अगर आप उसके लिए थोड़ा सा देखना, दोनों में 6 डिजिट्स ही है, ठीक है. तो थर्ड नंबर देखो, इसके अंदर 1 है और इसके अंदर 7 है, तो 1 और 7 में से कौन सा नंबर बड़ा है आप बताओ, 7, राइट. तो 7 नंबर बड़ा है तो 637 बड़ा हो जाएगा 631 से, समझ रहे हैं आप इस बात को. तो जब ये कहानी समझ में आ जाएगी तो आपको मनी डीलिंग भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, आपको टाइम ड्यूरेशन भी धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, और बच्चे आपको अपने मार्क्स कम है कि ज्यादा है कंपैरिजन करने में भी मजा आएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर, ठीक है. और प्रेडेसेसर जैसे कि नाम आपको बता रहा है, प्री, प्री का मतलब होता है पहले, और सक्सेस, सक्सेस का मतलब हमेशा होता है आगे बढ़ना. तो प्रेडेसेसर से मतलब कि उस नंबर से पहले आने वाला नंबर, और सक्सेसर का मतलब है उस नंबर के बाद आने वाला नंबर. आप लोगों ने जब वन स्टेंस की प्लेस की थी, जैसे 21 है,
इससे पहले क्या आया होगा? 20 आया होगा। इसके बाद क्या आया होगा? 22 आया होगा। जब इसमें आपने कोई दिक्कत नहीं आपको हुई, तो आपको बड़े नंबर्स में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या करना है, वंस की प्लेस चेंज करनी है, अनलाइक आपका लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हो। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास 27531 है, तो इसका जो सक्सेसर होगा वो होगा 27532, और इसका जो प्रेडेसेसर होगा वो क्या होगा? 27530। ठीक है, याद रखना 27530 छोटा होगा 27531 से, जो कि छोटा होगा 27532 से। ठीक, अब मान लो मेरे पास कोई नंबर है जो कि इस प्रकार से है, 99999। ये एक 5-digit लार्जेस्ट नंबर है, आपको पता है। इसका प्रेडेसेसर तो निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, तो मैंने सीधा कर दिया 9999 and 8, बहुत इजीली निकल गया इसका प्रेडेसेसर। ठीक है, लेकिन इसका सक्सेसर क्या होगा? आपने प्लस वन किया, और जैसे ही प्लस वन किया वो 5-digit नंबर क्या बन जाएगा? वो एक 6-digit नंबर बन जाएगा, और वो बन जाएगा 10 1 2 3 4 5। ये हमारे पास ये बन गया 1 lakh। ठीक है, 1 lakh, क्योंकि ये 99999 था, उसके बाद हमारा क्या बन गया? 1 lakh बन गया। ठीक, तो ये आपका प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर है। अब हम करते हैं ऑर्डरिंग। कहते हैं ना, ये क्लास में फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, ये कैसे डिसाइड होता है? ये रेस में फर्स्ट आया, या ये किसी कंपटीशन में ये फर्स्ट आया, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि कौन ज्यादा स्कोर करता है। ठीक है, तो स्कोर ऑर्डरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, वही मैं आपको आज सिखाने जा रही हूं। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, तो ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स में बहुत सिंपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो मेरे पास ऐसा नंबर है 78 99 53 24 18। ये मेरे पास कुछ नंबर्स है, 5 नंबर्स है मेरे पास, अलग अलग 5 नंबर्स है 2-digit के। अब मैंने आपको बोला असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग दो ऑर्डर्स होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी कहते हैं। असेंड का मतलब होता है ऊपर बढ़ना, तो ये हुआ इंक्रीजिंग, मतलब कि छोटे से बड़ा, ये नंबर हो गया छोटे से बड़ा। ठीक है, और डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, कम होना, तो मतलब कि ये बड़े से छोटा, ये बनेगा मेरा बड़े से छोटा। ठीक है, ठीक, तो अगर असेंड का मतलब छोटे से बड़ा है, तो सबसे छोटा नंबर रिकॉग्नाइज करो 18, तो मेरा 18 सबसे पहले जाएगा, फिर जाएगा 24, फिर जाएगा 53, फिर 78, फिर 99। तो 99 सबसे बड़ा है, फिर ये और ये। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो मगरमच्छ है, ये 18 को छोड़ के 24 को खाएगा, ये 24 को छोड़ के 53 को खाएगा, ये 53 को छोड़ के 78 को खाएगा, और ये 78 को छोड़ के 99 को खाएगा, है ना। अब डिसेंडिंग ऑर्डर इसी का रिवर्स ऑर्डर होता है, जो कि होता है 99 78 53 24 और 18। तो सबसे बड़ा 99, उससे छोटा 78 53 and। तो आपको ऑर्डर्स एक बार याद करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब याद क्या, एक बार आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, उसी का रिवर्स ऑर्डर दूसरा ऑर्डर होगा। ठीक है, समझ गए ये बात आप?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो भी मैंने पढ़ाया है उसी के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से खुद भी करने की कोशिश करिए। थोड़ा होमवर्क दूंगी, थोड़ा मैं कराऊंगी, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। कुछ क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, बाकी सारे पार्ट्स आप होमवर्क में करना, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि जो आपका पहला नंबर है वो एज इट इज लिखो, उसके बाद की सारी डिजिट्स को जीरो कर दो, जीरो 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 प्लस, अब अगला नंबर बाकी सारे डिजिट्स जीरो प्लस, अगला नंबर बाकी सारे डिजिट्स जीरो प्लस, अगला नंबर दिस जीरो एंड लास्ट नंबर इज एट, समझ गए? तो अब आप इसका खुद करो, तो नाइन हो गया और बाकी सारे प्लेसेस जीरो कर दो, तो ये आपके पांच जीरोस आ गए। अब ये तो ऑलरेडी जीरो है, इस पर आप लिखेंगे नहीं, ठीक है? अब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसके आगे कितने डिजिट्स है? तीन डिजिट्स है, तो आप सिर्फ तीन जीरोस लगाएंगे। फिर अगला सेवन के बाद दो जीरो, एट के बाद एक जीरो और केवल फोर। सेम यहां पर देखिए, फाइव के बाद हमारे कितने जीरोस आएंगे? पांच जीरोस। फिर हमने एट के बाद लगाया चार जीरो, फिर फोर के बाद लगाया तीन जीरो, ये ऑलरेडी जीरो है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। नाइन देखेंगे, उसके बाद एक ही डिजिट है तो एक जीरो और प्लस सिक्स, इसको आप उतार लीजिए, ठीक है? और बाकी सारे पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, आप खुद कर सकते हैं। एक पार्ट है लेकिन इसमें डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर टू का डी पार्ट, वो मैं आपको करके बताती हूँ। जिसे 4 10,000 आपका है, प्लस 4,000 प्लस 2 10 प्लस 6 1, 4 10,000। तो ये आपके पास अगर 10,000 के बाद से पहले 1,000 आता है, ठीक है? उससे पहले आता है 100। क्या यहाँ पे 100 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब मेरे जो नंबर बनेगा वो 4 4 0 2 6 बनेगा, समझ गए आप लोग? ठीक है, जो नंबर नहीं लिखा है मतलब वो है ही नहीं। उसी तरह अगर सी पार्ट देखेंगे तो इसमें लाख, थाउजेंड और हंड्रेड और वो सब कुछ दिया हुआ है, तो 3,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 10,000 वाली जो पोजीशन है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई 10,000 वाला दिया ही नहीं है। 5 लाख के बाद सीधा 1,000 दिया है, 10,000 दिया ही नहीं है, ठीक है? और टेंस की भी कोई पोजीशन नहीं दी हुई है तो वो भी जीरो होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कौन सा नंबर जीरो होगा और कौन सा नंबर लिखा जाएगा। अब आपको देखो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन आपने लगाना है, ठीक है? तो इसके अंदर 5 6 8 1 और 5 8 1 6 दो नंबर दिए हुए हैं, 5 6 8 1 और 5 6 1 8 दो नंबर दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया 5 8 1 6 मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ आप फर्स्ट डिजिट देखो, फर्स्ट डिजिट अगर सेम है तो सेकंड पे जाओ, सेकंड डिजिट यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 है, बड़ी जो डिजिट है वो आपका नंबर बड़ा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पूरे पार्ट्स इसी तरह से होंगे, खुद से ट्राई करो, बुक में ही ट्राई करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बहुत ईजी है, अभी अभी आपने किया है,
तो एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मैं आपको दो पार्ट्स करा रही हूं, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद करेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, छोटे से बड़ा असेंड करना, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इनमें से कंपेयर कर लेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट, सबसे छोटा नंबर ये है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2697 जो कि छोटा है। अब ये दोनों नंबर में 3 है बट यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8 है, तो ये 3824 लिखा जाएगा। उसके बाद 3971 एंड 4281 मेरा सबसे बड़ा नंबर बन गया, असेंड छोटे से बड़े तक जाना। अब यहाँ पर भी सबसे छोटा नंबर आप देखेंगे भाई 8 के 4 नंबर्स है। उसके बाद अगला देखो 4, ये 3, ये 5, ये 3, तो भाई ये 4 और ये 5 तो बड़े हो गए, तो इन दोनों में से कंपेयर करते हैं 834 और 836, तो कौन सा बड़ा हुआ, 36 बड़ा हुआ, 834 छोटा हुआ। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी 83462 जो कि छोटा है 83625 से, जो कि छोटा है 84631 से, 85316 से, और सबसे बड़ा नंबर मेरा है 94940। समझ में आया आप सबको? जैसे ही हमने असेंडिंग ऑर्डर किया है बिल्कुल सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डिसेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सबसे बड़ा नंबर, तो और उसके बाद उससे छोटा एंड सो ऑन, मतलब रिवर्स देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप अभी क्लासरूम में आए बिना किसी की हेल्प से करिए खुद से, और अपनी टीचर से चेक करवाइए कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है ये लेसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स में प्रेडेसेसर और सक्सेसर हमारा बनना है, ठीक है। मैंने दो नंबर्स लिए हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। प्रेडेसेसर के लिए मैं पी और सक्सेसर के लिए मैं एस यूज कर रही हूँ। प्रेडेसेसर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया एक नंबर पीछे, तो अगर मैं इसमें से एक नंबर माइनस कर दूं तो 80 से एक स्टेप पीछे क्या हो जाएगा हमारा 79, बाकी सारा हमारा सेम रहेगा। तो ये 23079 मेरा प्रेडेसेसर हो गया, और सक्सेसर एक प्लस एक आगे तो वो बन जाएगा 23081। अब इसका प्रेडेसेसर निकालना बड़ा आसान है 45198, लेकिन सक्सेसर में क्या हो जाएगा प्लस वन होगा, अगर आप 9 में प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये एक 1 कैरी हो जाएगा, ये आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये फिर से 0 हो गया, अब ये 2 हो गया, तो 199 के बाद 200 ही तो आता है, तो हमारा ये बन जाएगा 45200। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना
कि इस तरीके से नंबर कैसे हमारे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए आप अपनी क्लासरूम को छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड करके उसमें बड़े बड़े नंबर्स लिख लीजिए, जैसे कि 4753, 4754, ऐसे 4-5 digit नंबर लिख लीजिए। और फिर उसके बाद एक गेम खेल सकते हैं पूरी क्लास के साथ, मैम बोले कोई नंबर, जैसे मैं मैम ने बोला कि 43215, सारे जो है 43125 पे जो सबसे पहले चला गया वो हमारा विनर हो जाएगा। अब मैम बोले प्रेडेसेसर, तो उससे पहले कूदना है, सक्सेसर तो उसके बाद कूदना है, तो एक अच्छी सी हमारी गेम बन सकती है। बिंगो की तरह भी खेल सकते हो अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर, ठीक है। तो जरूर ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। तो आज का लेसन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप इस गेम के साथ बहुत मस्ती करेंगे क्लास में। सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय।